वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए। तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी के हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। मेरे साथ दो लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब एक घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पर? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। जैसे 1.5 लाख से ऊपर मतलब कि था दर्शन करने वाला, भीड़ इतना भीड़ देख के हम नहीं गए। ऐसा भगदड़ हुआ है, ऐसा भगदड़ कि भाग दौड़ इतना होने लगा कि हम लोग सब मतलब उठ उठ भागे एकदम रोड छोड़ छोड़ के। मेरा एक दोस्त मिसिंग है, वो अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है उसको। हम कल भी ढूंढे, आज भी ढूंढ रहा हूँ, कोई भी किसी ने हेल्प नहीं। मैंने कभी कंट्रोल रूम में बताया है कि मतलब जानकारी करके बताई है जो बच्चे चोट खाए हैं, या तो मुझे उनको एड्रेस दीजिए कहाँ चोट खाए, कौन से हॉस्पिटल में है, उनकी मैं जानकारी करूँ जाके, मैं अपने दोस्त को परिचय करूँ जाके। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं लोग यहाँ पे इतनी ठंडी में इंतजार कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है, और वो उसको संभाल नहीं पाए।